नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम मॉर्निंग से शुरू हो गया है और मैं बना रही हूँ बेटी के लिए टिफ़िन। टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, मतलब उसको लंच देने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में उसके अप्पे। तो अप्पे की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया एक कटोरी सूजी और 5-6 चम्मच दही। हल्के गुनगुने पानी के साथ मैं इसका घोल बना रही हूँ, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ठंडा था और फ्रिज में रखा हुआ था तो उसको फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके वजह से मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया कि जल्दी से फूल जाएगा। और वैसे आप चाहें तो नॉर्मल, अगर दही हो तो नॉर्मल पानी ही मिलाएं, गर्मी के मौसम में ज़रूरत नहीं है गर्म करने की। ठंडी के मौसम में मैं गर्म करती हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया बेकिंग सोडा, फिर उसके बाद घोल गाढ़ा से बना के इसको रख दिया 10 मिनट के लिए। और वैसे भी मुझे टाइम भी नहीं है, जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, क्योंकि 4:30 बजे मैं उठी हूँ तो मान लीजिए 4:45 बजे का ये टाइम हो रहा होगा। सूजी तो फूल गया, तो इसमें मिला लेती हूँ कुछ कटे हुए सब्जी। तो सब्जी में है मटर, प्याज और टमाटर, धनिया और एक हरा मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है कि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है, नहीं तो बेटी गुस्सा करने लगेगी स्कूल से आने के बाद। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, फिर उसके बाद मैं इसको एकदम अच्छे से मिला ली हूँ। थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाली हूँ बेकिंग पाउडर के ऊपर, फिर उसको एकदम गाढ़ा सा घोल बना लिया। और इसमें डाली हूँ नमक, जीरा, फिर उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को मिला के मैं घोल अच्छे से बना के फिर अब इसको अप्पे के साचिया मैंने मंगवा रखा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, फिर भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने सुना था, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बनता है। वैसे खाई तो थी लेकिन फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास साचा ही नहीं था ये बनाने का। तो मैंने हस्बैंड को बोला तो ये ऑनलाइन मंगवाए और अच्छा है, वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब इसमें बनता कैसा है, तो सेलो का है। और इसमें ना आप सब्जी चाहे जो मर्जी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने कैप्सिकम भी बोला परी को, तो उसने मना कर दिया कि मामा कैप्सिकम नहीं डालना, मुझे नहीं खाना है कैप्सिकम अप्पे में। तो हम कहे चलो, जब उसको खाना ही नहीं तो उसी के पसंद का बना लेती हूँ। फिर अभी इसको ढके हुए 5 मिनट हो गए और ये जो लकड़ी आपको स्टिक जैसे दिख रहा है ना, ये भी इसके साथ ही मिला है। इसको पलटने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है मुझे, बहुत आसानी से एकदम निकल जा रहा है बिना चिपके। देखिए कितने अच्छे से फूल के निकल रहे हैं। और आप भी इस तरीके से बनाना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, तो हेल्दी तो है ही, टेस्टी नाश्ता भी है। तो आप बच्चों को बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, घर में नाश्ता भी कर सकते हैं। मैं तो वैसे फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मैं कही कि अब मैं टिफ़िन में भी बराबर ही दिया करूँगी बच्चे लोगों को, और घर में भी कभी कभी नाश्ता बना लिया करूँगी। तो इसको फिर से मैंने पलट दिया और 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया। आँच को बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है, मीडियम आँच पर ही छोड़ देना है बनने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, परी को ले जाने भर ही बना रही हूँ। बाकी का जब हमें नाश्ता करना होगा तब मैं बना लूँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो देखिए फिर से मैंने उसको चेक किया, फिर से ढक दिया। तो बीच बीच में आप भी देखते रहिएगा, नहीं तो फिर अंदर से जलने लगेगा अगर तेज़ आँच रहेगा तो, या तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम रखेंगे ना तो वो बहुत सूखा सूखा सा हो जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा, कहने का मतलब उसका सॉफ्टनेस सारा चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको नहीं पकाना है। वैसे भी सूजी तो फूल ही गया है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में। तो इसी तरीके से मैं दोबारा से पूरा पलट ले रही हूँ सारे अप्पे को, और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना हुआ है तो मैंने सारा पलट लिया। देखिए एक बार में ही सारा प्लेट में रख लिया। तो उसके बाद मैंने साथ में ना इसकी चटनी भी बनाई हूँ मूँगफली का। तो मूँगफली की चटनी मैंने कैसे बनाया रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मूँगफली को मैंने भून लिया, फिर उसके बाद उसका छिलका उतारा, उसमें 1 मिर्च डाला, 3-4 जवे लहसुन के और नमक, बस इतना सब कुछ डालने के बाद मैंने उसको पीस लिया। फिर उसके बाद राई और करी पत्ता से छौंक लगा लिया, हो गया मूँगफली का चटनी तैयार। तो मूँगफली की चटनी के साथ दे दी बेटी को टिफ़िन। फिर उसके बाद वो जा चुकी है और हस्बैंड गए हैं उसको छोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा चलो जब तक वो हस्बैंड गए हैं छोड़ने के लिए तब तक मैं बालकनी में बैठ के थोड़ा सा पानी भी पी लेती हूँ और थोड़ी बैठ भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी के मौसम में बालकनी में बैठना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर 5 मिनट बैठती हूँ, थोड़ा सा नेचुरल हवा, पेड़ पौधे देख लेती हूँ, फिर उसके बाद आ जाती हूँ अपने किचन के कामों में लग जाती हूँ। तो आज के खाने में मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल, चावल, चोखा और रहेगा चटनी। फिर उसके बाद मैं सलाद काटूँगी, तो यही सब बना रही हूँ। और पालक की दाल मैं कैसे बनाती हूँ फ्रेंड, देखिए इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। मसूर और चने की दाल को मैंने भिगो रखा था 15 मिनट पहले ही, जब मैं सो के उठी हूँ ना
उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने इसको भिगो दिया। फिर उसके बाद दो तीन पानी से धो ली हूँ, फिर डाल दी कुकर में। और मैंने काट लिया था पालक, तो पालक भी मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर तो मैं ऑप्शनल है, डालिए नहीं डालिए, मैं थोड़ा सा डालती हूँ। पहले तो नहीं डालती थी, लेकिन हस्बैंड टोकते हैं कि थोड़ा सा डाल दिया करो, अच्छा नहीं लगता कलर, तो इसकी वजह से मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा धनिया पाउडर, अरे हल्दी पाउडर सॉरी, और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक वो डाल दिया नमक। फिर उसके बाद डाला आलू, साथ में आलू भी उबलने के लिए डाल दी हूँ कि चोखा में बनाने के लिए चाहिए आलू, तो उसी में उबल जाएगा। और बैंगन टमाटर मैंने चूल्हे पे भून लिया, फिर उसके बाद एक प्लेट में रख दी हूँ। और फिर आ गई दाल, जब तक बन रहा है दूध भी गर्म हो रहा है, तब तक चावल तो मेरा बन चुका है। और फिर आ गई मैं कप सारा चादर हटाने के लिए कि हटा देती हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी ही है। देखे तकिया जैसे ये हटाई ना, वैसे हस्बैंड मेरे ऊपर भड़क गए खूब चिल्लाने लग गए कि मेरा तकिया हटा दी और लाइट बंद करो। तो लाइट मैंने बंद कर दिया, वैसे भी कोई सोया रहता है तो नींद तो ख़राब होती ही है, मेरा मन नहीं था, लेकिन बहुत अंधेरा लग रहा था ना, इसी वजह से मैंने जला दिया। तो फिर उसके बाद मैं बिस्तर उस्तर हटाने के बाद फिर आ गई आम को सुखाने के लिए, तो इतना दूर में मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। फिर उसके बाद इसको फैला दी हूँ, फिर बाकी कमरे का झाड़ू पोछा करूँगी बाद में। तो एक कल का ही कपड़ा रखा हुआ था, तह करके मैंने हटाया ही नहीं, तो अभी हटा रही हूँ कि चलो इसको हटा देती हूँ और चादर भी झाड़ उड़ के थोड़ा ठीक कर लूँगी। क्योंकि सुबह इतना काम रहता है ना, छोटे छोटे काम तो पूरे दिन ही लगे रहते हैं, लेकिन सुबह कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। बच्चे लोगों का स्कूल जाना, हस्बैंड का ऑफिस जाना, टिफ़िन बनाना, उन लोगों का टिफ़िन पैक करना, फिर उन लोगों को नाश्ता करवाना, छोटे छोटे ही काम होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो इधर चादर को भी मैं झाड़ ओढ़ के ठीक कर ले रही हूँ, फिर उसके बाद बाकी का जो काम बचा हुआ है वो कर लूँगी। ज़्यादा सुबह सुबह जो ज़रूरी काम होता है ना, वो सब मैं निपटा लेती हूँ पहले। फिर उसके बाद जब हस्बैंड और बच्चे लोग चले जाते हैं, तो जो मेरा आराम से करने वाला काम रहता है वो सब मैं करती हूँ। चादर ठीक करने के बाद मैं आ गई पौधों को पानी देने। वैसे तो हस्बैंड डेली देते हैं, पर आज वो सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही दे देती हूँ। और कोई भी दे देता है, हस्बैंड और चाहे मैं, दोनों लोग में से कोई भी पौधों को पानी डेली दे देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो सूख जाते हैं रात भर में पानी पूरा। और बाहर कुछ पौधे रख रखी हूँ, तो इसमें भी पानी डाल देते हैं डेली का डेली। और तुलसी जी में तो नहाने के बाद डालूँगी, अब परी डाल देती है स्कूल से आने के बाद, वो नहाती है ना तब डालती है। फिर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पौधे। और मेरे घर के बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, तो मैं अब बना रही हूँ चोखा। हमारे यूपी साइड में चोखा बहुत बनता है, यूपी और बिहार में, तो हम चोखा भी इसी तरीके से बनाते हैं। आपको तो मैंने पहले ही दिखाया कि बैंगन भून लिया और टमाटर, तो इसको मैं छील ली हूँ, फिर उबाल ली हूँ आलू, फिर इसमें मैं कुछ चीज़ें डाल लेती हूँ, नमक और धनिया हरा, हरा मिर्च और तेल सरसों का, इतना सब कुछ। अदरक भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, मैं डालती हूँ अदरक कट के बारीक बारीक, और लहसुन। इतना सब कुछ डालने के बाद चोखा हो जाता है रेडी। तो फिर अब मैं बना रही हूँ चटनी टमाटर वाली। टमाटर कट कर लिया, फिर उसके बाद इसमें डाल ली हूँ नमक, हरा मिर्च, लहसुन, और खूब सारा जाएगा इसमें धनिया, तो इसको भी बना लेती हूँ चटनी। और देखिए चटनी भी रेडी हो गया, तो मैं इसी तरीके से चटनी भी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी इस तरीके से बना के देखना। बहुत लोग भून के बनाते हैं, पर मैं कच्चा ही बनाती हूँ। तो अब पे दोबारा से भी मैंने बना दिया, तो फिर उसके बाद बाबू को दे रही हूँ नाश्ता करने के लिए। हस्बैंड नहा भी लिए, तो मैंने बोला कि आप ही दे दीजिए, बाबू को ब्रश कर लिया तो वो उठ गया है और ब्रश व्रश कर लिया है, तो बैठ के चला रहा है फ़ोन, तो मैंने कहा कि चलो नाश्ता भी कर लेगा साथ साथ। और इधर मैं दाल में लगा रही हूँ छौंक में वही लाल मिर्च और हींग लहसुन, इतना सब कुछ डाल के पालक के दाल में छौंक लगाते हैं हम, तो इसी तरीके से लगाती हूँ मैं दाल में छौंक। फिर उसके बाद हस्बैंड बोल रहे हैं कि तो मैं हाथ लगा देता हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। मेरा हाथ लगते ही तुम कहीं हाथ लगा लीजिए, बाकी सारा काम तो मैं कर रही हूँ, आपके हाथ लगाने से खाना टेस्टी बन जाएगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ अपना बोलते रहते हैं, और बार बार आके देख रहे हैं, क्योंकि उनको हो रहा है लेट जाने के लिए ऑफिस, तो कपड़े उपड़े पहन के तैयार हो गए हैं, बाकी तो बाकी का कपड़ा बाद में पहनेंगे खाना खाने के बाद। तो मैंने इनका थाली रेडी कर दिया, रोटी वो नहीं खाएंगे, सिर्फ चावल दाल और चटनी खाएंगे चोखा। तो मना कर रहे थे कि नहीं मुझे रोटी नहीं देना, तो वो खा पी के टिफ़िन लेके जा चुके हैं। तो फिर उसके बाद मैं आ गई कपड़ा धोने के लिए। कपड़ा तो बहुत पहले ही मैंने भिगो दिया था, भिगो दो ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तुरंत भिगो के तुरंत साफ़ करो ना तो उतना अच्छा नहीं साफ़ होता है। गर्मी के मौसम में ना तो मैं ज़्यादातर कपड़े भिगो के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और टंकी के पानी से,
तो हल्का सा वो गर्म ही रहता है, तो उससे भिगो के छोड़ देती हूँ तो साफ़ हो जाता है अच्छा से। और ठंडी में तो अलग से गर्म करना ही पड़ता है कपड़े धोने के लिए, और हाथ से ही धो लेती हूँ गर्मी के मौसम में, मशीन नहीं लगाती हूँ, अच्छा भी रहता है, जल्दी हो भी जाता है और ज़्यादा कपड़े भी नहीं निकलते हैं ना अभी, तो इसकी वजह से हाथ से ही धो लेती हूँ। फिर भी थोड़े से कपड़े तो हो ही जाते हैं, एक बाल्टी तो मान के चलिए डेली ही कपड़े निकलते ही हैं, तो सारा कपड़ा मेरा धुल गया। और फिर अब इसको निचोड़ लूँगी, फिर फैला दूँगी छत पे नहीं बालकनी में ही फैलाऊँगी, क्योंकि जिधर की तरफ छाया रहता है उधर ज़्यादा कपड़े फैलाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि ख़राब हो जाएंगे सारे कपड़े। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है दोपहर का टाइम और जा रहे हैं हम लोग परी को लेने, तो बाबू भी मेरे साथ है और काम तो सारा मैंने कर लिया। देख लीजिए इनको, गंदू बच्चा को आज गिर गया साइकिल चलाने में, पूरा घुटना फोड़ लिया है, हाथ में चोट लगाया है, सब लगाई हूँ बोरोलिन और एक थप्पड़ भी लगाई हूँ साथ में। हाँ बाबू फ्री हूँ, खूब रो रहा था, इतना चोट लगा लेता है, रोज आए दिन कुछ ना कुछ फोड़ के रखेगा, साइकिल बहुत तेज चलाता है ना। उसका क्या नाम रखे हो साइकिल का? खटारा रॉकेट। खटारा रॉकेट इसकी साइकिल का नाम है, एकदम पुरानी हो गई है साइकिल ना तो। अरे गिर गई बाबू, भागो भागो भागो। तो उसका नाम ना रखा है खटारा रॉकेट। हम जा रहे हैं परी को लेने और आज परी को अपे बनाना था, मतलब टिफिन में ले जाना था, मुझे बनाना था तो उसको ले, मैं 4:30 बजे उठी हूँ फिर बनाई हूँ, तो लेके गई है टिफिन। और कुलप्रीत के पापा हैं ना, अभी से जा रहे हैं ऑफिस इतने टाइम को, तो अपे और मूँगफली की चटनी बना के उसको दी, फिर उसके बाद खाना मैं बनाई हूँ पालक वाली दाल चावल चोखा और चटनी, इतना सब कुछ बनाई हूँ मैं। तो खाना खा ली नहाने वाने के बाद, पूजा वूजा की, फिर उसके बाद खाना खा ली। बाबू का तो खाना बाकी है, अपे खाया फिर दूध पिया, तो अभी खाना नहीं खाया है। परी आएगी ना तब उसके साथ ही खाएगा, और चलूँगी तो तरबूज काटूँगी, सब लोग बैठ के खाएँगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब तक तो बच्चे लोगों की छुट्टी भी हो जाना चाहिए, पता नहीं क्या स्कूल खुला है, बच्चे भी परेशान हम लोग भी परेशान, धूप में जाना पड़ता है मुझे रोज लेने के लिए, बहुत तेज धूप है। क्या काट लिया? चीटी काटा होगा कहीं पेड़ वेड़ के पास रुके होगे। हाँ चीटी तो काटा है, रेड हो गया है पूरा, दिदोरा पड़ गया है। तो देखो आ गए क्या बस, धूप सच में बहुत ज़्यादा है, गर्मी तो इतनी तेज वाली पड़ रही है कि पूछिए मत। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड, कमेंट में बताइएगा। आ गए, चलो यहीं पे बैठते हैं फिर। हाँ बैठेंगे, फिर आएगी तो चलेंगे। और अभी तो छुट्टी में हम लोग घूम के आ गए मम्मी के घर से, अब नहीं जाएंगे कहीं, हस्बैंड को बोलती हूँ कि कहीं ले चलिए घुमाने, तो गर्मी में कहाँ जाओगे, नहीं ले जा रहे हैं। अरे देखो बाबू नल से पानी गिर रहा है, कुछ लगा ही नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है ना। गर्मी में कहीं पानी दिखता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है देख के, ऐसा लगता है एकदम ठंडक का एहसास होता है, तो वही पानी अभी गिर रहा है। फूल को पानी देने के लिए लोग लगाए होंगे, देखिए कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर पौधे पूरे पार्क में लगे हुए हैं। और चले फिर मिलती हूँ आप लोगों से घर जाने के बाद। अभी मुझे आम छीलना है, थोड़ा सा आम है वो छीलना है, और साड़ी में फॉल लगाना है। साड़ी में फॉल तो रोज़ ही सोच रही हूँ लगाने का, सब बच्चे आना शुरू कर दिए स्कूल से, तो साड़ी में फॉल लगाना है ना, अभी तक लगाई नहीं, बस एक तो लगा के छोड़ दी हूँ, एक में लगाई हूँ, बाकी एक तो में लगाना बाकी है, टाइम ही नहीं मिलता है कि लगाऊँ, क्या क्या करूँ अकेले समझ में ही नहीं आता है। तो और मुझे चावल भी साफ़ करना है, देखूँगी नहीं आज चावल साफ़ करूँगी, रोज़ बोलती हूँ रोज़ रह जा रहा है, बस अब थोड़ा सा बना लेती हूँ। क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? टाइम पास। डूब जाओगे? जाओ डूब जाओ। इतना अच्छा टी शर्ट पहने हो, अच्छा दिखाओ अच्छा अपना टी शर्ट, तो दिखाओ क्या बना है तुम्हारे टी शर्ट पे। आई एम कैट यू, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। अच्छा चीटी काट ली, पानी पी लो बाबू। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, परी को खाना वाना दे दी हूँ, उसको लेके आई, फिर वो नहाई वाई है, फिर खाना खाई है, और बाबू को भी मैंने खाना खिलाया। फिर उसके बाद अब लहसुन में छीलने के लिए भिगो रही हूँ, और लहसुन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, पुराना है, सारे लहसुन सूख गए हैं,
तो वही मैं पुराना वाला ही अभी यूज कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी नया दे रखी हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले पुराना वाला भिगो के इसको ख़त्म कर लेती हूँ, फिर नया खाएंगे। तो इधर मैंने काट लिया तरबूज और अभी हम सारे लोग खाएंगे, हस्बैंड जब आएंगे शाम को तब फिर काटूंगी, अभी तो हम तीनों लोग खा लेते हैं, बाद में फिर से रात में खाएंगे हम सारे लोग मिलके। तरबूज वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही काटती हूँ और बच्चे लोगों को भी देती हूँ। बच्चे लोग तो उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, पर मैं बहुत खाती हूँ और हस्बैंड भी खाते हैं। बच्चे लोगों को फ्रूट पसंद कहाँ आता है, उन लोगों को तला भुना चीज़ दे दीजिए, उसी में खुश हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं शाम को मिल रही हूँ फ्रेंड, शाम का टाइम हो रहा है, मैं सो गई। फिर उसके बाद आई हूँ बाल बना के, कंघी वंघी करके थोड़ा सा तैयार होके फिर मैं आ गई बालकनी में। हम कहे चलो शाम का टाइम हो रहा है ना, सो के उठो, तो थोड़ा सा मन भी उदास हो जाता है, पता नहीं अजीब सा लगता है ना। तो मैंने सोचा चलो बालकनी में बैठूंगी ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, लोगों को आते जाते देखूंगी भी और अपना काम भी कर लूंगी। तो चावल साफ कर रही हूँ, चावल में ना बहुत ज़्यादा कंकड़ और धान है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा चावल साफ करती हूँ कि मैं उब जाती हूँ, फिर उसके बाद फिर हटा देती हूँ, फिर जब खत्म होने वाला रहता है तो फिर लेके बैठती हूँ साफ करने के लिए। इतना चावल एक बाल्टी अगर मैं साफ करने बैठूँ ना, तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, इतना ज़्यादा इसमें धान है। तो बहुत देखना पड़ता है, ध्यान से निकालना पड़ता है, और कंकड़ वंकड़ भी थोड़े रहते हैं ना, तो घर के चावल में ऐसे होता ही है, बहुत टाइम लगता है इसको साफ करने में। तो वही मैं साफ कर रही हूँ कि चलो साफ कर लेती हूँ, डेली का डेली साफ करती रहती हूँ, तो कर लूँगी ना तो आराम रहेगा, सुबह सिर्फ बनाना रहेगा। अभी तो बच्चे लोग सो रहे हैं, मैं तो उठ चुकी हूँ, अभी उठेंगे तो लोगों को दूध गर्म करके दूंगी और अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी तो पीऊंगी, फिर हस्बैंड आएंगे तब मैं पूछूंगी उनसे खाना बनाने का, तो उनसे पूछ लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ खाना। मेरा डेली का यही काम है, जब आ जाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ बनेगा, वही मैं बनाती हूँ, या तो फिर परी बताती है या तो फिर हस्बैंड, दोनों लोग के पसंद का बनता है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।